the best time to visit Queen of Hills, Missouri. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। पूरी फैमिली के साथ हम चल पड़े हैं मसूरी की तरफ, क्योंकि वैसे तो हमें आज जाना ही था एक प्लॉट देखने के लिए, लेकिन जो कंसर्न पर्सन थे वो फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं। इसलिए हमें लगा कि अब ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो वैसे भी बहाने चाहिए होते हैं। मसूरी की तरफ जैसे ही हमने देखा, क्योंकि भैया भाभी का घर जरा मसूरी के और पास है, तो बस इन्होंने हमें बताया कि बादलों में पूरा ढका हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम टू मसूरी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस समय वेदर कैसा है और आप आएंगे तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। हम पहुंचे हैं कैंपटी फॉल वाली रोड पर, और यहाँ पर ना जनरली इस पॉइंट पर हम, क्योंकि कई बार रुके हुए हैं, तो इस पॉइंट से जनरली हमें जो व्यू मिलता है बहुत ब्यूटीफुल, और नाग टिब्बा का व्यू यहाँ से मिलता है। आज अभी फॉग में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पानी की आवाज आ रही है। तो हम क्योंकि कैंपटी फॉल के भी बहुत पास है, तो अभी आगे हम जाएंगे, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा आगे जाके हम जब भी हम लाखा मंडल गए थे और पहले भी एक दो बार निकले, तो हमें बड़ी दूर से ना एक बहुत सुंदर सफेद मंदिर दिखता है, लेकिन उसका रास्ता कहीं नहीं दिखता है। तो आज हम उसका रास्ता जरूर ढूंढेंगे और देखते हैं कि वहां पहुंच पाते हैं या नहीं। इतनी अच्छी आती है, वो गांव है बुट्टा का। वाह, फोन भी अच्छा है ना आपका। पीछे पूरे कलर देखो, ब्लू कितने सुंदर लग रहे हैं। भैया देखो हमें दिखा रहे हैं ये पिक्चर्स, क्योंकि भैया पहले यहाँ पर गए हुए हैं, और भाभी ने जो तारीफ की है इस गांव की, आज बहुत सुंदर एक विलेज भी दिखाने वाले हैं हम आपको मसूरी के बहुत पास, भुट्टा गांव। वाओ, देखिए यहाँ पर बादलों में ढका बिल्कुल JW मैरियट हमें क्लियर दिख रहा है, और हम यहाँ पर इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ सामने आप देखेंगे बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। क्रेन हमें दिख रही है कुछ पत्थर वत्थर हटाते हुए। उनमें देखिए ये चीजें तो चलती रहती है, तो जब तक लेकिन रोड क्लियर हो तब तक लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, वेदर को हम भी कर लेते हैं। तो ये कुछ पत्थर थे जो ऊपर से आए हुए हैं, इन्हीं को क्लियर किया जा रहा था। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। देखिए बहुत सुंदर मंदिर आपको यहाँ से दिख रहा है, सफेद मंदिर यहाँ से दिख रहा है, और हम जैसा कि नाम है माँ सुंतरा देवी, तो हम दर्शन करने चलते हैं। हमें रास्ता अभी तक मिला नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया है, हमने गाड़ी पार्क कर दिया है यहाँ पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। चलिए पैदल का रास्ता है, थोड़ा सा चलते हैं। वाओ, पूरा रास्ता ये देवदार से भरा हुआ दिख रहा है आपको, देखिए, क्योंकि इस विलेज का नाम भी देवदार विलेज है। जनरली जब आप लोग मसूरी आते हैं तो आपके माइंड में ना वही सब होता है, कैंपटी फॉल, लैंडोर, मॉल रोड। तो हालांकि हमने कुछ ऐसी ऑफबीट प्लेसेस आपको पहले भी दिखाई हैं, जिसमें हमने भद्राज टेंपल दिखाया, जॉर्ज एवरेस्ट दिखाया, लेकिन वाकई हम ऐसी जगहों को, इतनी खूबसूरत जगहों को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर इतनी प्राकृतिक सुंदरता है ये। तो मुझे लगता है कि वो जगह तो है ही, फेमस है, बट हमें फाइनली एक ऑफबीट प्लेस मिल गई है।
नेचुरल ब्यूटी अगर देखनी है तो मानसून इज द बेस्ट टाइम। जय शेरावाली माँ। हम लगभग 200-250 या मैक्सिमम 300 मीटर हम कह सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं हुआ इसलिए पता नहीं है, बट अंदाजन हम इतना ही ऊपर आए हैं। थोड़ा सा क्योंकि स्टिफ थी चढ़ाई इसलिए बीच में सांस फूली, बट आराम से आ गए। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर देखिए जो व्यू आपको मिलेगा ना, इतना खूबसूरत, मुझे नहीं लगता मसूरी का इतना खूबसूरत व्यू कहीं और से भी मिलेगा आपको। यह मंदिर लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और इसीलिए हमें फील भी हो रहा है कि हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं। बहुत सुंदर व्यू तो है ही, लेकिन जैसा कि मंदिर के बारे में जो कहानी है वो भी यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर एक महात्मा संतराम के नाम से रहा करते थे, और वो तपस्या, और जब उन्होंने की, माँ ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी माता ने कहा तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे ही नाम से जानी जाऊँगी। और क्योंकि उनका नाम महात्मा संतराम था तो इसीलिए यहाँ पर इस मंदिर का नाम भी माँ संतुरा देवी रखा गया। बहुत सुंदर दर्शन तो हो गए। जब हम अभी नीचे उतर के आ रहे थे तो भैया ने बोला कि यहाँ पर लोकल आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। शॉप बाहर से ही बड़ी सुंदर लग रही है देखने में, तो देखने में क्या हर्ज है, चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या क्या आर्टिकल्स है। भैया को तो सिंगिंग बोल मिल गया। आज तक हमने ना यहाँ पर बिच्छू घास के बारे में बहुत सुना है कि बिच्छू घास जहाँ भी दिखे उससे दूर हो जाओ क्योंकि खुजली बहुत तेज होती है। लेकिन यहाँ भैया ने हमें बिच्छू घास की साड़ी दिखाई है। भैया दिखाना ये वाली, ये देखिए, ये है बिच्छू घास की साड़ी। और भैया कह रहे हैं इसको पहनने से आपको जो बैक पेन होता है, बैक पेन के लिए अच्छा होता है ये, ऐसा भैया ने बताया। देखो ये तो मेडिसिनल है, साड़ी पहन के बैक पेन से रिलीफ। भैया हमेशा टीज करते रहते हैं भाभी को कि भाभी का कार्ड नहीं चलता। आज पेमेंट भाभी के कार्ड से हो रही है। भाभी ने दो रजाइयां ली हैं, बहुत बढ़िया, विंटर्स में भी काम आएगी और समर्स में भी काम आएगी, एक तरफ से ठंडी एक तरफ से गर्म। 2000 में दो सिंगल बेड की, ये देखिए अच्छा है, मटेरियल अच्छा है। चलिए अब माता के दर्शन करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद हम चलते हैं भुट्टा विलेज की तरफ। यहाँ से लगभग हम पहुँचे के कैंपटी फॉल, और उसके आगे 3 किलोमीटर है, तो टोटल मिला के आप 5 किलोमीटर मान सकते हैं। ये हमारी फेवरेट प्लेस है, एक तो इस वजह से क्योंकि देखिए सामने व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको पूरा कैंपटी फॉल बिल्कुल क्लियर नजर आता है, और दूसरा ये यादगार है हमारे लिए क्योंकि हमारा एक ड्रोन यहीं पर क्रैश हुआ था, यहाँ इस नीचे बहुत नीचे खाई में गिरा था पेड़ से टकरा के। ये जगह ऐसी है कि बस ऐसे पेड़ पकड़ पकड़ के नीचे तक जाया जा सकता है, तो बड़ी मुश्किलें हुई थी, लेकिन हमें यहाँ पर जो भाई साहब हैं उन्होंने बड़ी हेल्प करी। ऐसे लोग भी होते हैं, देखिए हर जगह मिल जाते हैं अच्छे लोग। लेकिन यहाँ से इस समय तो व्यू जो है, मुझे नहीं लगता कि जनरली अगर आप समर्स में या विंटर्स में आते हैं तो ये बादल वाला आपको नहीं मिलता है व्यू, बट इस सीजन में आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन व्यू मिलेगा। सो बेसिकली हम आ गए हैं भुट्टा गांव, इसे बोला जाता है, वैसे इसका नाम है सैंजी विलेज। और हम टोटल अगर लगाएं, क्योंकि कैंपटी फॉल से मेन रोड तक 1.5 किलोमीटर, और वहां से फिर नीचे 1.5 किलोमीटर एक रास्ता आता है, वहां बोर्ड दिख जाएगा आपको सैंजी गांव का, वहां से आप नीचे आएंगे। और देखिए इतना खूबसूरत विलेज है ये, क्योंकि आपको चारों तरफ कॉर्न की फसल दिख रही है, इसीलिए इसका नाम, इसको लोग जनरली भुट्टा गाँव बोल देते हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर इतने सारे भुट्टे क्योंकि उगते हैं, तो इसीलिए लोगों ने सुखाने के लिए अपने घरों के बाहर लटका देते हैं। और गांव में आते ही, क्योंकि भाभी यहाँ पहले आ रखी हैं, भाभी ने बताया है कि इस तरह से हमें गाइड पहले मिल जाते हैं ये, और ये फिर पूरा गांव घुमाते हैं, है ना। बहुत प्यारा सा गाँव है, बहुत बड़ा नहीं है, घर भी आई थिंक यहाँ पे ज्यादा नहीं होंगे, 40-50 घर ज्यादा से ज्यादा,
शायद मैं ज्यादा बोल रही हूँ और कम ही होंगे, विलेज होम स्टे भी है यहाँ पर, तो किस तरह के हैं वो भी देखते हैं। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए इतने सुंदर सुंदर ये भुट्टे, ऐसी चीजें हमें कम ही देखने को मिलती हैं। ये देखो थोड़ा पहले अगर हम आते लाइक लास्ट मंथ, क्योंकि बारिश शुरू होने से पहले यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको यहाँ पर भुट्टे ऐसे पूरे घरों के बाहर टंगे हुए मिलते हैं, तारे लगाई हुई है इन्होंने। इस टाइम पर कम है क्योंकि बारिश का समय है। एक चीज जो मैंने पूरे गांव में नोटिस की है कि आपको सफाई बहुत मिलेगी, पूरा गांव इतना नीट एंड क्लीन दिख रहा है मुझे, कहीं पे भी गंदगी नहीं है। इतने सुंदर फूल देखिए यहाँ पर, नेचुरल ब्यूटी अल्टीमेट यहाँ पर। पूरा गांव का चक्कर लगवा दिया हमें इसने, गुड गर्ल है ये, और ये अभी हमें वापस भी लेके जाएगी कि रास्ता भटकना नहीं। अभी हमने यहाँ बच्चों से पूछा तो यहाँ अगर आपको फुल ऑफ कॉर्न वाला विलेज देखना है ना तो वो फील आएगा अगर आप फेब्रुअरी में आएंगे तो, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ये इसका एंड है विलेज का, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर जगह बहुत अच्छी है, एक बार आपको ज़रूर आकर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। कॉर्न विलेज बेकरी एंड कैफे सर्व योर फेवरेट कैनेडियन बेकरी एंड गढ़वाली लोकल फूड। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर लोकल फूड को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ अगर आप रहना चाहें तो प्राइजेस यहाँ हमें बहुत अच्छे रीजनेबल लिखे हुए हैं। डॉर्मेट्री पर बेड 600, डबल बेड 900 और 3 बेडेड लेंगे तो जस्ट 1200 रुपीज, गुड ऑप्शन, अल्टीमेट लोकेशन। यहाँ बैठ के खाना तो वैसे ही ज्यादा खाया जाएगा। सेंजी विलेज आएंगे तो खाना आप जरूर खा के जाएं क्योंकि फ्रेश आपको खाना मिलेगा। और यहाँ पे इतने सारे कॉर्न हैं तो हमें खाने में भी ना इन्होंने बताया कि रागी और कॉर्न की रोटी, तो हमने कहा मक्के की रोटी का तो स्वाद ही अलग है, वैसे सर्दियों में खाते हैं पर हम एक एक तो गर्मियों में भी खा सकते हैं, तो अभी हमने वही ऑर्डर किया है। यहाँ पे अगर आपको कैनेडियन बेकरी आइटम्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हालांकि मैं ज़्यादा ये पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जो यहाँ पर बाकी आइटम्स हैं अगर आप रेगुलर आइटम्स की बात करेंगे तो लोकल फूड का जो मेन्यू है बहुत सिंपल मेन्यू है और बहुत रीजनेबल, 50-60 रुपये में आई मीन सब्जी दाल आपको सब मिल रहा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको। चलिए जब तक खाना रेडी हो रहा है हम इनके कुछ रूम्स भी देख लेते हैं, अगर आपको रहने का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे तो वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। किस तरह के एक बार देखते हैं, पत्ता देखो कितना बड़ा, और ये कुछ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं ना, पता नहीं क्या है। ओके ये है इनका डबल बेड। स्टे करने के लिए आई मीन अगर आपको सिर्फ ये है कि घूमना है एक नाइट स्टे करना है तो उसके लिए ठीक है, ये बेडिंग वगैरह इन्होंने प्रॉपर करी हुई है। सबसे जरूरी बात कि फ्रेश एयर के लिए विंडोज हैं तो यहाँ पे, बल्कि देखिए इस मौसम में भी यहाँ पंखे की भी जरूरत नहीं है, वेदर बहुत अच्छा है, अटैच वॉशरूम भी है, तो जितनी चीजें हमें चाहिए वो अवेलेबल है। ऐसी जगह पे भी देखिए आपको शार भी दिया हुआ है ऊपर, उन्होंने उनका ही ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इस विलेज में इस तरह के होम स्टे बनाए हुए हैं। देखो यहाँ आओ तो खाने का ऑर्डर जरा सोच समझ के देना, हमारी तरह कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। हमने बोला कि एक सब्जी एक दाल तो उन्होंने हमें एक प्लेट लगा के दे दी, तो अब हम सारे लोग हम शेयर कर रहे हैं तब तक और खाना आ रहा है क्योंकि अब हमने उन्हें बोला कि सबके लिए एक एक चाहिए हमें। तो लेकिन खुशबू इतनी अच्छी थी ना हमसे रुका नहीं जा रहा था, और देखो मक्के की रोटी स्पेशली इतनी पतली पतली रोटियां, और देख के ही लग रहा है कि मुँह में पानी आ रहा है, तो हम शुरुआत इसी से करते हैं जब तक और खाना आता है। कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ लेकिन सबके लिए फटाफट खाना आ गया, और लेकिन इतना डिलीशियस है भैया भाभी आप बताओ, इससे ज्यादा अच्छा खाना मैं कहीं और मिल ही नहीं सकता था, स्पेशली ये मक्के की रोटी का जो टेस्ट आ रहा है ना मजा आ गया। दाल तो मैंने टेस्ट नहीं करी अभी, सब कुछ बहुत अच्छा है सीरियसली।
ऐसे व्यू में बैठकर अगर ब्राउनी खाई जाए गर्मा गर्म, अच्छी है ना। टेस्ट तो अल्टीमेट है हर चीज का। देखिए हम तो चलिए ऐसे ही खाते रहेंगे और आपको भी घुमाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आ गई हमारी ब्राउनी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना। हाँ जी। और इसी तरह से ट्रैवल करते रहे ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।